बजरंग टीवी, कहानी पुराणों की, ज्योति आस्था की। बालकों, मनुष्य कभी क्रीड़ा में तो कभी धन संपदा अर्जित करने में आनंदित रहता है। भौतिक सुखों के पीछे वो भागते भागते सारा जीवन व्यतीत कर देता है और अंत में सुख और शांति के लिए मंदिर और तीर्थों को ढूंढता है, किंतु उसे इस तथ्य का आभास नहीं होता कि उसका सबसे बड़ा मंदिर और सबसे बड़ा पावन तीर्थ उसके घर में ही है। और वो मंदिर, वो तीर्थ स्वयं उनके माता पिता है। हनुमान, माता पिता की सेवा करके जो आनंद मिलता है वो समस्त सुखों से बढ़कर तो है ही, साथ ही वह उस मनुष्य को मोक्ष का अधिकार दे देता है। आप सत्य कह रहे हैं। ऐसा ही सुख मार्कंडेय को भी मिल रहा था। माता पिता भी बहुत प्रसन्न थे, किंतु उनकी प्रसन्नता में कहीं न कहीं एक अदृश्य पीड़ा छुपी हुई थी जो उन्हें हर क्षण सताती रहती थी। समय अबाध गति से चलता रहता है। मार्कंडेय की आयु के 10 वर्ष पूरे होने को थे। ऋषिवर, फिर क्या किया उन्होंने? हे प्रभु, ऐसा तेजस्वी पुत्र प्रदान करके भी आपने इतना बड़ा दुख दे दिया हमें। चाहे तो मेरी आयु ले लीजिए महादेव, किंतु मेरे पुत्र को अधिक आयु प्रदान कर दीजिए। हरिओम। पिताश्री, कल्याण हो। लाइए पिताश्री, ये मुझे दीजिए, यहीं पर रुकिए, मैं अभी आया। माँ, पिताश्री आ गए। अगस्त ऋषि के आश्रम जाने वाले थे स्वामी, फिर इतनी शीघ्र कैसे लौट आए? मार्ग में ऋषि व्योमकेश के शिष्यों ने बताया कि उनके गुरुदेव हमारी कुटिया में पधारने वाले हैं, सो मैं लौट आया। उनके स्वागत की व्यवस्था करनी है, वो कुछ समय में ही आने वाले हैं। ये तो सौभाग्य है हमारा कि स्वयं ऋषि व्योमकेश हमारी कुटिया को पवित्र कर देंगे। मैं अभी फलाहार की व्यवस्था करती हूँ। मैं अभी उपवन से जाकर उनके लिए मीठे मीठे फल तोड़ कर लाता हूँ। ये उत्तम संस्कार आप जैसे ऋषि ही दे सकते हैं। प्रणाम ऋषिवर व्योमकेश। कल्याण वस्तु ऋषिवर मिरकंडू। आपका हमारी कुटिया में स्वागत है महर्षि। हमारी कुटिया धन्य हो गई आपकी चरण धूलि से। बड़ा ही मेधावी पुत्र है आपका। उसका उन्नत ललाट, दर्प से दमकता मुखड़ा और विनम्रता से झुके नेत्र, आपके पुत्र ने मेरा मन मोह लिया। ऋषि ऋषिवर, मार्कंडेय को आगे की शिक्षा के लिए मेरे गुरुकुल में भेज दीजिए। मेरा सौभाग्य होगा कि ऐसा तेजस्वी शिष्य मेरा हो। ऋषिवर मिरकंडू,
देवी, क्या हुआ? कहीं मैंने कुछ अनुचित कह दिया क्या? ऋषिवर, पहले आप पधारिए। पहले आप दोनों मुझे अपनी चिंता का कारण बताइए। महर्षि, हमारे जीवन में सौभाग्य तो आया, किंतु दुर्भाग्य की काली छाया के साथ। आप जैसे महातपस्वी के वचनों में ऐसा नैराश्य? ऋषिवर, आशा ही तपस्वियों का आभूषण है, निराशा साधारण मनुष्यों के लिए है, किंतु आप? महर्षि, मैं एक पिता भी हूँ, एक ऐसे पुत्र का पिता जिसका कि जीवन अंत होने वाला है। मात्र 10 वर्ष की आयु ही पाई है मेरे पुत्र ने, सिर्फ थोड़े से ही दिन शेष बचे हैं मेरे पुत्र के पास। 10 वर्षों से एक एक दिन, एक एक घड़ी गिन रही हूँ, हर क्षण देख रही हूँ कि मृत्यु शने शने मेरे पुत्र के निकट आ रही है। ऋषिवर, कैसी दारुण स्थिति है ऋषिवर, माता पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि वो अपने पुत्र की मृत्यु के एक एक क्षण की गणना करें। हाँ हनुमान, यदि माता पिता का वश चले तो वो अपनी आयु देकर भी अपने पुत्र को बचा लेते, किंतु काल के समक्ष सब विवश हो जाते हैं। काल को कौन रोक सकता है? काल किसी के रोके नहीं रोकता। शीघ्र ही वो दिन भी आ गया जिस दिन के स्मरण मात्र से ही उनके हृदय कंपित हो उठते थे। हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है? आपका वरदान अभिशाप की भांति प्रताड़ना दे रहा है। 10 वर्ष हो गए हैं आज मेरे मार्कंडेय के जीवन का अंतिम दिवस है ये। हम दोनों की आयु ले लीजिए प्रभु, लेकिन मेरे पुत्र को जीवन दान दे दीजिए दाता। हम पर दया कीजिए प्रभु, मार्कंडेय की आयु में वृद्धि कर दीजिए। माँ, पिताश्री, मैं प्रातःकाल से ही आप दोनों का आशीर्वाद देने के लिए आपको ढूंढ रहा था, और आप दोनों यहाँ मंदिर में हैं। आशीर्वाद दीजिए, आज आपका पुत्र 10 वर्ष का हो गया है। सदा प्रसन्न रहो पुत्र। माँ को क्या हो गया पिताश्री? कुछ नहीं पुत्र, प्रसन्नता से नेत्र भर आए होंगे। क्या हुआ मित्रों? ये बता रहा था कि आज तुम्हारा जन्म दिवस है। हाँ, आज मैं 10 वर्ष का हो गया हूँ। फिर तो कुछ आनंद उत्सव होना चाहिए, क्यों मित्र? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, कुमार मार्कंडेय के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कुछ होम हवन होना चाहिए। हाँ हाँ, साथ में भोज मिष्ठान आदि भी, ठीक है ना मार्कंडेय? कैसी विडंबना है ये, जन्म और मृत्यु दोनों एक साथ। क्या सोच रहे हैं ऋषिवर?
आज तो हर्ष का दिवस है। हम सब मिलकर व्यवस्था का आरंभ करते हैं। हाँ पिताश्री, भोज की भी व्यवस्था कराइए। कैसे समझाऊं तुम्हें पुत्र, ये आनंद भोज होगा या तुम्हारा मृत्यु भोज? हाँ, हम सब आनंद उत्सव मनाएंगे क्योंकि आज मेरे पुत्र का जन्म दिवस है। मैं भोज के लिए सारे सामान की व्यवस्था करती हूँ। माँ, आपको खुश उठाने नहीं देगा आपका है पुत्र। मैं करूंगा सारी व्यवस्था। पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही भोज एवं हवन की सारी सामग्री जुटा लूंगा। चले मित्रों। हाँ हाँ, शीघ्र चलते हैं। व्यवस्था ऋषिवर, मार्कंडेय जी के उत्साह को देखकर तो प्रतीत होता है कि उन्हें तो ज्ञात ही नहीं है कि उनकी आयु अब समाप्त होने वाली है। हाँ हनुमान, यदि मनुष्य को अपनी आयु की अल्पता का आभास हो जाए तो उसका शेष जीवन भी दुखमय हो जाता है। इसलिए मार्कंडेय के माता पिता ने उसे इस विषय में कुछ भी नहीं बताया, किंतु हनुमान सत्य कभी छुपता नहीं है। क्षमा कीजिए ऋषिवर, हमें ये ज्ञात नहीं था कि आज मार्कंडेय के जीवन का अंतिम दिवस है। मैं कैसे अपने पुत्र को अपने नेत्रों के समक्ष अंतिम श्वास लेते हुए देख सकती हूँ? कोई तो उपाय होगा मेरे पुत्र के जीवन की रक्षा का। महादेव का कथन कभी असत्य नहीं हो सकता मरुद्मती। कदाचित हमारे भाग में इतना ही साथ लिखा था हमारे पुत्र के साथ। मेरा भोला भाला मार्कंडेय तो अपने जन्म दिवस का उत्सव मनाने की व्यवस्था करने में लगा है। इस अभूत को तो ज्ञात ही नहीं कि आज का दिवस उसके जीवन का अंतिम दिवस है। पिताश्री, ये सोचकर आप वर्षों से दुखी होते रहे होंगे। आपने मुझे इस तथ्य से पहले ही अवगत करा दिया होता तो आज ये दुख का क्षण आया ही नहीं होता। पिताश्री, आप ही ने सिखाया है कर्म से भाग्य की रेखाएं भी परिवर्तित हो जाती है। मैं भी कुछ अवश्य कर ही लेता, किंतु पुत्र, महादेव के कथन को तुम कैसे परिवर्तित कर पाते? मैं परिवर्तित करूंगा पिताश्री, इतनी शीघ्र कोई मेरे माता पिता से मुझे दूर नहीं कर सकता। अभी तो मुझे आपकी सेवा करनी है वर्षों तक। माँ, पिताश्री, मैं आप दोनों को वचन देता हूँ कि आपका पुत्र मार्कंडेय मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ही लौटेगा, अपने भाग्य को परिवर्तित करेगा। पुत्र, पुत्र मार्कंडेय,
आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। मैं शीघ्र लौटूंगा माँ। मारकंडे! फिर क्या मारकंडे जी अपने भाग्य को बदल पाए? क्या उनके माता पिता को दिया हुआ वचन पूर्ण हो पाया था या नहीं? मारकंडे ने अपने माता पिता को वचन तो दे दिया था, किंतु उन्हें स्वयं ज्ञात नहीं था कि वो उस वचन को पूर्ण कैसे करेंगे। हाँ ऋषिवर, फिर क्या किया उन्होंने? हाँ ऋषिवर बताइए ना, क्या हुआ था? ऋषिवर बताइए ना। बस दुखी हृदय लेकर बालक मारकंडे निकल पड़ा वन की ओर। पिता को दुखी नहीं देख सकता, क्या करूं मैं? हे महादेव, आप ही ने मुझे ये जन्म दिया है, अब आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाइए। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरे। देवर्षि नारद रुकिए, चरण वंदन देवश्री। आयुष्मान भवत। क्षमा चाहता हूँ, किंतु आपका यह आशीष मिथ्या जाने वाला है। आशीष मिथ्या? अर्थात? कदाचित आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं मारकंडे हूँ, मृकंडू ऋषि का पुत्र। पिताश्री ने बताया था कि आपने मेरी जन्म कुंडली बनाई थी। हाँ पुत्र, तुम्हारी कुंडली में अल्प आयु का योग था, कदाचित 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हाँ देवर्षि, आज मेरे जीवन का अंतिम दिवस है। किंतु पुत्र, मेरे मुख से तो तुम्हारे लिए आशीष निकल चुका है। तो आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैंने मार पिताश्री को वचन दिया है कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ही लौटूंगा। उनकी सेवा करने के लिए मुझे जीवन के कुछ और वर्ष चाहिए। मार्कंडे पुत्र, यूं तो काल का नियम बहुत कठोर है, इसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। पुत्र मार्कंडे, एक उपाय है। तो शीघ्र बताइए देवर्षि, मेरे माता पिता का दुख दूर करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। पुत्र मार्कंडे, भगवान महादेव की कृपा से तुम्हारा जन्म हुआ है, वे आशुतोष एवं ओढ़रदानी हैं। यदि पुत्र तुम मेरे बताए हुए मंत्र से उन आशुतोष महादेव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर लोगे तो वे तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं। आप मुझे मंत्र प्रदान कीजिए देवर्षि, मैं प्राण प्रण से भगवान आशुतोष को प्रसन्न करूंगा। किंतु पुत्र, यदि तुम भगवान शिव की कृपा अल्प समय में ही चाहते हो तो तुम उनके परम प्रिय धाम कैलाश क्षेत्र में जाकर उनकी आराधना करो। शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे भगवान आशुतोष। नारायण नारायण। अब मंत्र सुनो। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमयि वंदनान् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। मैं अभी केदार क्षेत्र में जाकर शिव जी की आराधना आरंभ करूंगा। मैं प्राण प्रण से भगवान आशुतोष को प्रसन्न करूंगा। मुझे आशीर्वाद दे देवर्षि। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र, कल्याण हो। मंत्र मरण रखना। नारायण नारायण। किंतु ऋषिवर, देवर्षि नारद जी ने जो मार्कंडे जी को मंत्र दिया था, इस महामृत्युंजय मंत्र में ऐसा क्या है कि देवर्षि नारद ने मृकंडे जी को यही मंत्र दिया?